आज हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। निश्चित समाकलन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में हम, किस तरह उपयोग करते हैं निश्चित समाकलन का गणित में या और भौतिकी में, इसका भी प्रयोग होता है। तो निश्चित समाकलन का सबसे जो इसका यूज होता है, प्रयोग होता है, वह होता है क्षेत्रफल निकालने में। जब हम निश्चित समाकलन करते हैं किसी फलन का, मान लेते हैं हमारा फलन है fx, y, x का एक सतत फलन है, अंतराल ए बी में जब हम इस फलन का निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो इसे हम लिखते हैं समाकलन a से b fx dx। या किसी भी वक्र, यहाँ हमारा फलन है fx जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं x अक्ष और y अक्ष पर, तो यह वक्र तथा x अक्ष और x की कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है किसी फलन y, यदि x का फलन है जो अंतराल ab में सतत है, तो अंतराल ab में a से b मान के बीच में फलन का निश्चित समाकलन उस वक्र तथा x अक्ष और x के की जो कोटियां हैं a से b द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि y is equal to fx x फलन है जो अंतराल ए बी में सतत है, अक्षों पर इसे बनाते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स फलन इस प्रकार है और यह एक वक्र ए बी को प्रदर्शित करता है। फलन एक वक्र ए बी को प्रदर्शित कर रहा है। बिंदु A से x अक्ष पर लंब डालिए, A से C, इसी तरह बिंदु B से अक्ष पर हम लंब डाल देते हैं और इस बिंदु को लिखते हैं यदि D। तो हमें सिद्ध करना है A B D, A C D B का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन A B F x D x को प्रदर्शित करता है। हम यहाँ पर क्या सिद्ध करने वाले हैं, वक्र fx, ये वक्र है, फलन fx जो कि वक्र ab द्वारा प्रदर्शित है, x अक्ष तथा x की कोटियां मान लेते हैं x बराबर a बिंदु c है, x बराबर b बिंदु d है। तो a c d b ये जो क्षेत्रफल है हम सिद्ध करेंगे ए सी डी बी का क्षेत्रफल बराबर होता है निश्चित समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स के। यही यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें वक्र पर बिंदु P मानना चाहिए। मान लेते हैं AB वक्र पर एक बिंदु है P, AB जो अंतराल A से B के बीच में वक्र है ना, फलन को प्रदर्शित कर रहा है, इस पर एक बिंदु हम मान लेते हैं P।
ए बी वक्र या यह फलन एक्स का एक वर्धमान फलन है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। टी के समीपवर्ती एक अन्य बिंदु मान लेते हैं क्यू। माना पी के निर्देशांक है एक्स वाई, तो क्यू के निर्देशांक होंगे एक्स में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ बिंदु की स्थिति के हिसाब से, क्यू के निर्देशांक हम मान लेंगे एक्स में थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है अल्प परिवर्तन डेल एक्स, जहां डेल एक्स क्या है एक्स के मान में हुआ बहुत ही कम छोटा सा परिवर्तन है, जिसे हम अल्प परिवर्तन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार वाई के मान में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, बिंदु पी के निर्देशांक यदि एक्स और वाई है तो क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, ये हम लिखते हैं क्यू के निर्देशांक एक्स, एक्स के बराबर तो होगा नहीं, स्थिति अलग है, एक्स से थोड़ा सा अलग है एक्स प्लस डेल एक्स, तथा वाई वाई प्लस डेल वाई के बराबर है, ये हम मान लेते हैं, जहाँ डेल वाई भी क्या है वाई के मान में हुआ अल्प परिवर्तन। पी से लंब डालिए एक्स अक्ष पर, पी से एम, इसी प्रकार क्यू से लंब डाल देते हैं एक्स अक्ष पर और लिखते हैं इस बिंदु को एन, तो पी एम और क्यू एम लंब है एक्स अक्ष पर। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्षेत्रफल को, देखिए ए सी एन क्यू, ठीक है, एक यहाँ पे तीन आयत बन रहे हैं ए सी एम पी, पी एम एन क्यू और क्यू एन डी बी। अब यह जो हमारा पहला आयत है ए सी एम पी, इसका क्षेत्रफल यदि हम ए मान लेते हैं, क्षेत्रफल एरिया ए से लिखते हैं हम, तो मान लेते हैं ए सी एम पी का क्षेत्रफल, किसके बराबर है ए के बराबर है, चूंकि पी के निर्देशांक एक्स वाई हैं, क्यू इसके समीपवर्ती एक बिंदु है, बहुत नजदीक की बात कर रहे हैं दिखाने के लिए इतना डिस्टेंस है, पर क्यू को हमने क्या माना है पी के समीपवर्ती कोई बिंदु है, यहाँ से आप एक सीधी रेखा लेके आर भी समझ सकते हो, और यह आर डिस्टेंस पी से आर ही क्या है छोटा सा परिवर्तन एक्स में डेल एक्स है, तो क्यू चूंकि पी के समीपवर्ती बिंदु है, जैसे ही हम आयत बनाएंगे ए सी एन क्यू, ये जो क्षेत्रफल ये थोड़ा सा बढ़ गया, ए सी एम पी का क्षेत्रफल हमने ए माना है और ए सी एन क्यू का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक होगा, और इस थोड़े से अधिक के लिए हम क्षेत्रफल में भी क्या लिखते हैं डेल ए। डेल ए कहाँ से आया, एक्स में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है डेल एक्स, वाई में छोटा सा परिवर्तन हुआ है डेल वाई, तो क्षेत्रफल में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और यह छोटा सा परिवर्तन ही क्या है यदि डेल ए है, तो हम लिख सकते हैं ए सी एन क्यू का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए प्लस डेल ए के बराबर है। अब हम इस परिवर्तन जो हुआ है क्षेत्रफल में डेल ए, इसके मान को निकालेंगे, ठीक है, जो हमने छोटा सा परिवर्तन पी से क्यू पर हम गए, तो क्षेत्रफल में जो छोटा सा परिवर्तन हुआ है इस डेल ए की चर्चा हम करते हैं, ये जो क्षेत्रफल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है यह किसके बराबर है, तो हम देख रहे हैं ये y अक्ष पर दूरी यदि y है तो y इंटू
डेल एक्स सी ए थोड़ा सा बड़ा है और y में भी छोटा सा परिवर्तन हुआ है, y प्लस डेल y का गुणा डेल एक्स से या छोटा होगा। समझ में आ रहा है? बिंदु P पर y मान है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणित चौड़ाई से, लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। लंबाई यहाँ P बिंदु पर क्या है? y है। और चौड़ाई क्या है? हमने चौड़ाई क्या ली है? डेल एक्स, छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं। तो डेल ए का मान इससे तो बड़ा होगा, लेकिन जब लंबाई क्या हो जाती है y से, y प्लस डेल y का गुणा कर दे डेल एक्स से। समझ में आ रहा है? इस पूरे समीकरण को डेल एक्स से भाग दे दीजिए। क्या मिलता है डेल एक्स से भाग देने पर? y छोटा है, डेल ए बाय डेल एक्स आ जाएगा और यह छोटा है y प्लस डेल वाई से। अब हम जानते हैं Q जो है वो P का समीपवर्ती बिंदु है और हम इसकी सीमा निकालते हैं जैसे ही Q P की ओर अग्रसर होगा। क्या लिखते हैं इसको? Q टेंस टू P लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डेल एक्स x में हुआ परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब ये Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा या P के पास आएगा, P के निकट आ जाएगा या P पर आ जाएगा, x में हुआ परिवर्तन क्या था? डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तथा y में हुआ परिवर्तन क्या है? डेल y, और यह भी शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो लिमिट ले लेते हैं Q टेंस टू P, या इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट x में हुआ परिवर्तन डेल x टेंस टू जीरो। और इस लिमिट को लेने पर आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। y जो कि छोटा है, लिमिट ले ले रहे हैं डेल x टेंस टू जीरो, डेल a बाय डेल x, और यह छोटा होगा y से। अब y के साथ क्या था? डेल y, और यह भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब x का परिवर्तन शून्य है तो y का परिवर्तन भी शून्य के बराबर है। तो यहाँ जो डेल y है इसका मान भी शून्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल ए बाय डेल एक्स का मान वाई से बड़ा भी है और वाई से छोटा भी है। तो हम देखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल ए बाय डेल एक्स का मान वाई से बड़ा भी है और वाई से छोटा भी है। अवकल गुणांक की परिभाषा क्या कहती है? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल ए बाय डेल एक्स को ही लिखते हैं डी ए बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अवकल गुणांक की परिभाषा से अवकलन पढ़ चुके हैं आप। तो यह जब वाई से बड़ा है और वाई से छोटा है, अर्थात इसका मान वाई के बराबर है, डी ए बाई डी एक्स बराबर, जब हमको y मिलता है, अब इसे हम क्या करते हैं? x की कोटियों x बराबर a से x बराबर b के बीच समाकलन करते हैं।
समाकलन करने पर हमें मिलता है इंटीग्रेशन a से b डी ए बाय डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b y डी एक्स, x के सापेक्ष समाकलन है। इसको हल करते हैं, d बाय डी एक्स और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आया, तो इसका आंसर आएगा a, समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ है तो क्या बचा a, तो a का मान जबकि x बराबर a है और a का मान जबकि x बराबर b है के बीच a का मान बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b y dx के। a है क्षेत्रफल, हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल a का मान जबकि x बराबर b है में से घटाएंगे क्षेत्रफल a का मान जबकि x बराबर a हो बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b y dx के। अब हम देखते हैं कि जब x का मान b है, चित्र से आप देखेंगे जब x का मान b है तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है ए सी डी बी पूरा क्षेत्रफल, और जब x का मान a है तो कोई क्षेत्रफल नहीं बना है, शून्य बराबर है a से b एफ एक्स डी एक्स, y बराबर एफ एक्स रख देंगे। अतः ए सी डी बी का क्षेत्रफल बराबर हमें मिल जाता है a से b एफ एक्स डी एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित समाकलन किसी फलन का कोटियों a और b के बीच वक्र एफ एक्स तथा एक्स अक्ष और कोटियों x इज इक्वल टू a तथा x इज इक्वल टू b द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। आइए एक प्रश्न बनाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, वक्र है हमारा ex, वक्र ex द्वारा x बराबर शून्य से x बराबर a तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र ex का कोटियों का मान है x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू a तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और निश्चित समाकलन की परिभाषा क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग में की जाती है, सिद्ध कर चुके हैं हम। तो अभीष्ट क्षेत्रफल किसी भी वक्र का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, जहाँ x का मान होता है, अब यहाँ पर है x का मान शून्य से लेकर a तक, और हमारा फलन परिभाषित है शून्य से a, एफ एक्स परिभाषित है हमारा ex से, ex का समाकलन होता है ex
और इसकी सीमाएं हैं शून्य से एक। हल करते हैं इसे। तो यह समाकलन बराबर होगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर एक बार x का मान हम रखेंगे a ऋण एक बार x का मान रख देंगे हम शून्य e की घात में a और e की घात में शून्य का मान होगा एक। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा e की घात में a ऋण एक वर्ग इकाई। देखते हैं दूसरा प्रश्न। वक्र है साइन एक्स, वक्र है y बराबर साइन एक्स हमारा दिया गया फलन और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई कोण शून्य से लेकर 2 पाई के बीच। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसे। वक्र है हमारा y बराबर दिया गया फलन परिभाषित है यहाँ sin x से। साइन एक्स त्रिकोणमिति फलन हम जानते हैं, चतुर्थांश में इसके चिन्ह बदलते हैं। पहला चतुर्थांश साइन के लिए धनात्मक है, दूसरा भी धनात्मक है, पर तीसरे और चौथे चतुर्थांश में साइन का मान ऋणात्मक होता है। अर्थात हम जानते हैं कि जब एक्स का मान शून्य से लेकर पाई के बीच में हो तो साइन एक्स धनात्मक मान रखता है, लेकिन जब x का मान पाई से 2 पाई के बीच में होता है तो साइन x ऋणात्मक मान रखता है, जिसे हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल 0। अक्षों पर इस वक्र को हम बना सकते हैं। मान लेते हैं ये x अक्ष है और यह y अक्ष है। कोणों को लेंगे x अक्ष पर शून्य, ये पाई बाय 2 ले लीजिए, पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ यदि हम ले लेते हैं 2 पाई 90 अंश के अंतराल पर हमने शून्य से लेकर 2 पाई को बिंदु लिया है हमने। y अक्ष पर आप ले लीजिए धन 1 और नीचे की ओर ऋण 1। तो हम साइन x का मान जानते हैं शून्य पर शून्य होता है, पाई बाय 2 पर यह अधिकतम मान 1 रखता है, पाई पर यह फिर शून्य हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पर यह निम्नतम मान ऋण 1 रखता है और 2 पाई पर यह फिर शून्य हो जाता है। तो हम साइन x का ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से, शून्य से शुरू होगा, पाई बाय 2 पर 1 होगा, फिर पाई पर शून्य, फिर ऋण 1 और फिर यह हो जाएगा शून्य। तो यह हमने ग्राफ बनाया है फलन साइन एक्स का। हम देख रहे हैं शून्य से पाई के लिए साइन धनात्मक मान रखता है और पाई से 2 पाई के लिए साइन ऋणात्मक मान रखता है। यदि हम इस पर एक छोटा सा स्ट्रिप dx ले लेते हैं तो हम इस वक्र शून्य से लेकर पाई के लिए
sin x का मान निकाल सकते हैं निश्चित समाकलन से। निश्चित समाकलन जिसकी सीमा होगी शून्य से लेकर पाई sin x dx से, ठीक है। उसी तरह पाई से 2 पाई के लिए sin x क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल को। तो अभीष्ट क्षेत्रफल इस वक्र का x अक्ष तथा कोटियों शून्य से 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल ही अभीष्ट क्षेत्रफल है, जो कि बराबर होगा शून्य से लेकर पाई sin x dx धन पाई से लेकर 2 पाई माइनस sin x। ऋण का चिन्ह, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में फलन ऋणात्मक मान रखता है। हल करते हैं इस निश्चित समाकलन को। तो हम देखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और इसका है शून्य से पाई। इस ऋण चिन्ह को बाहर यदि हम ले लें तो धन और ऋण हो जाएगा, ऋण फिर साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस और इसकी सीमा है पाई से तो पाई। सीमाओं को रखते हैं तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा माइनस कॉस एक्स की सीमा रखेंगे शून्य से पाई, पहले उच्च सीमा और उसमें से घटाएंगे निम्न सीमा, तो माइनस कॉस पाई में से घटाएंगे माइनस कॉस जीरो, फिर ये ऋण का चिन्ह माइनस कॉस टू पाई में से घटाएंगे माइनस कॉस पाई। बराबर कॉस का पाई पर मान ऋण एक, फिर ऋण का चिन्ह ऋण कॉस का शून्य पर मान एक, मान को रखते जाते हैं, फिर ऋण का चिन्ह ऋण कॉस का 2 पाई पर मान एक, ऋण और ऋण का चिन्ह कॉस का पाई पर मान हम जानते हैं होता है ऋण एक। हल करते हैं, ये हो गया ऋण और ऋण धन एक, ऋण और ऋण धन एक, ऋण का चिन्ह ऋण एक है, ऋण और ऋण धन और धन और ऋण ऋण एक। तो ये आ गया दो ऋण ऋण दो, जो कि हो जाएगा दो धन दो अर्थात 4 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमने वक्र y बराबर sin x का कोटियों शून्य से लेकर 2 पाई के बीच क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो कि बराबर है 4 वर्ग इकाई के। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं तीसरा प्रश्न। दीर्घ वृत्त x स्क्वायर बाय a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर एक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर एक। जिसकी बना सकते हैं इसे आप अक्षों पर बनाइए। जहां ए बड़ा है बी से तो एक्स अक्ष इसका हो गया दीर्घ अक्ष और वाई अक्ष इसके लिए हो गया लघु अक्ष। तो यह है इसका दीर्घ अक्ष और y हो गया इसके लिए लघु अक्ष। चूंकि a का मान बड़ा है b से, मूल बिंदु है यह शून्य शून्य ओरिजिन O, तो x का मान शून्य से लेकर ए तक है। एक्स की कोटियां हमारे पास शून्य से लेकर ए तक है। दीर्घवृत्त के इस वक्र को यदि हम शून्य से लेकर ए तक निश्चित समाकलन निकालते हैं तो हम इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। शून्य से लेकर ए तक यदि हम निश्चित समाकलन निकालें इस वक्र का तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इस दीर्घवृत्त के एक भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पर हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यह जो क्षेत्रफल में ये सभी मान आपस में बराबर है, सभी के लिए दूरी a है और ये दूरी b है, तो हम चार गुना कर देंगे इस क्षेत्रफल को तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं फलन को कोटियों x बराबर a से b तक निश्चित समाकलन करके। अतः यह अभीष्ट क्षेत्रफल या पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा चार गुना x बराबर a से x बराबर b तक फलन का निश्चित समाकलन, जहां फलन परिभाषित है दीर्घवृत्त के समीकरण से। अब यहां से हमें फलन का अर्थात y का मान ज्ञात करना चाहिए। चूंकि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर है एक, y के लिए से हल कीजिए। y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हल करते हैं y के लिए, y स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं b के वर्ग का सीधे गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं b स्क्वायर हर में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और कोष्टक में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर बराबर। तो वाई का मान होगा वर्गमूल का चिन्ह बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी और ए पूर्ण वर्ग है, बाहर निकल सकता है, लिख सकते हैं प्लस माइनस बी बाय ए, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का मान हमने निकाला है, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 ए से बी वाई डी एक्स निकाल चुके हैं हम, मान रखते हैं इसमें वाई का 4 ए से बी, जहां वाई का मान हम लेंगे बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स लिख सकते हैं तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं और यह अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4 कांस्टेंट है b और a, इसको बाहर निकाल लीजिए b बटे a, इंटीग्रेशन होगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, x के सापेक्ष हम जानते हैं अनिश्चित समाकलन में वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन सूत्र से दिया जाता है एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए से, अनिश्चित समाकलन में आप पढ़ चुके हैं। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, तो हम लिख सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4b बाय a और इसका समाकलन लिखते हैं x बाय टू वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय a, जिसकी सीमा होगी शून्य से a, इसकी सीमा है शून्य से a, x का मान सिर्फ हम ले रहे हैं शून्य से a। हल करते हैं इसे 4b by a, x की उच्च सीमा लेंगे पहले a by 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x का मान क्या रखेंगे a, कोटि सिर्फ x का मान लेना है तो कोटि x का मान चित्र में शून्य से a तक जा रहा है तो यहाँ पर लिमिट इसकी होगी शून्य से a, a स्क्वायर बाय टू x का मान a रखने पर यह हमें मिलेगा साइन इनवर्स a बाय a, ये हो गई इसकी उच्च सीमा। में से घटा देंगे निम्न सीमा और निम्न सीमा जब x का मान शून्य रखते हैं तो पहला पद भी शून्य हो जाता है तथा जैसे ही x का मान शून्य रखते हैं साइन इनवर्स शून्य भी शून्य होता है, इसलिए दोनों ही उत्तर क्या मिलेंगे हमें शून्य 4b by a, और यह हमें मिल जाता है पहला पद a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के कारण शून्य, तो सिर्फ हमारे पास पद जो बच रहा है वह है a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 4b by a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2। हल कीजिए थोड़ा सा तो हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल 4b by a स्क्वायर बाय 2 और 2 को गुणा कर दीजिए तो 4 और साथ में है पाई।
फोर और फोर कट गया, एक ए कट गया और यह हमें मिल जाता है पाई ए बी वर्ग इकाई। तो हम एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं निश्चित समाकलन की परिभाषा से, है ना। हम विभिन्न फलनों का क्षेत्रफल एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कोटियों के बीच ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद।